तो स्टूडेंट्स, पेपर वन में सेक्शन थ्री का थोड़ा पहले समझ लेते हैं कि किस तरह पूछा जाने वाला है। 18 मार्क्स मिलेंगे बच्चों और टोटल 6 क्वेश्चन हैं मैचिंग टाइप के, और हर क्वेश्चन के लिए अपन को 2 टेबल दी रहेंगी। हर टेबल में 3 कॉलम हैं और 4 रोज़ हैं। मैं समझा देता हूँ आपको। ये मान के चलो टोटल अपने पास फ़िलहाल इस सेक्शन में 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके 2 सेक्शन अलग बना लो, 3 क्वेश्चन का एक और 3 क्वेश्चन का एक। यहाँ पे एक ऐसा पैराग्राफ गिवन होगा और यहाँ पर भी एक पैराग्राफ गिवन होगा, उस पर बेस ये तीन तीन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वहीं टेबल वगैरह दी होंगी, उसके लिए फिर काम करेगा ये 3 कॉलम 4 रोज। फिर हर एक क्वेश्चन में वही सेम एमसीक्यू का पैटर्न हो जाएगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे और एक ही सही रहने वाला है। ORS भरने की बातें लिखी हैं और मार्किंग स्कीम में +3 -1 और 0 है ना, अटेम्प्ट नहीं करने के 0। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 13, 14 और 15 को सॉल्व करने के लिए ये कंडीशन समझना इंपॉर्टेंट है ना। कहता है चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और प्रोटॉन भी हो सकता है। इसको ओरिजिन पे इंट्रोड्यूस कर दिया है और इनिशियल वेलोसिटी हमने वी बोल दी है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक भी है, ये पूरे जगह एग्जिस्ट करती है। समझना, पार्टिकल ओरिजिन पे है और ई और बी है यहाँ पे यूनिफॉर्म। वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों के तीनों अपने को कॉलम में भर के दे दिए हैं। दैट मीन्स ये वेलोसिटी का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर का कॉलम है और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 है, इन विच केसेस पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। स्ट्रेट लाइन का भी मतलब है यहाँ पे और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो होगा। इसका मीनिंग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसको वी के डायरेक्शन के साथ कभी भी नहीं कर सकते, वरना क्या करेगा, एक्सेलरेट कराने लग जाएगा इसको, या तो डिसलेट कराने लग जाएगा। तो ये चीज़ बस ध्यान में रखना कि दोनों का वेक्टर मैच ना हो जाए अपन से। स्ट्रेट लाइन का आप एक सोल्यूशन होता है अपने पास, इसको समझते हैं बच्चों अपन वेलोसिटी सिलेक्टर से। मैग्नेट चैप्टर का टॉपिक है ये। ये कहता है कि लॉरेंट्स फोर्स को भैया जीरो कर लीजिए, आप आपका आंसर मिल जाएगा। तो लॉरेंट्स फोर्स समझ लो पहले, इसका मतलब होता है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक विल बी गिवन बाय, चार्ज लिखते हैं अपन, ई वैक्टर लिखा, प्लस लगा के लिखा वी वैक्टर क्रॉस ऑफ बी वैक्टर। ध्यान रखना वैक्टर का भी यहाँ पर नॉलेज टेस्ट होने वाला है। ये हो गया अगर जीरो तो आपका आंसर क्या मिल रहा है बच्चों, जो ई का वैक्टर होगा वो आएगा आपके माइनस ऑफ वी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर के। ठीक है, इसका ध्यान रखना बस अपन। ठीक है, अब ध्यान रखते हैं कि पार्टिकल को ओरिजिन पे रख देना और क्वेश्चन को पढ़ना है। तो पहले वेलोसिटी इवेल्यूएट कर लेते हैं। ये लिखा है वेलोसिटी जीरो, जो ऑप्शन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, तो थर्ड है फर्स्ट कॉलम के लिए। और ऑप्शन देखो तुरंत, बी में बोल रहा है 3 और डी में भी बोल रहा है 3, मतलब इन लोगों को साइड में कर दो, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। तो ए और सी से बात बनने वाली है। एक कहता है फोर्थ, मतलब यहाँ 2 का टर्म आ गया तो इसको भी इग्नोर कर दो। सी कह रहा है सेकेंड है पहले का ऑप्शन, तो यहाँ ध्यान से देखो ना, ये हो गया वी नॉट और ये हो गया वाई, तो मतलब ये हो गया सही अपना। तो इलेक्ट्रॉन है भैया ये और वाई पे चल के जा रहा है, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन जिसको बोला है अपन ने आप वाई पे चल के जाओ। स्ट्रेट लाइन में तभी चल के जाएगा ये जब दोनों तरफ फोर्स लग रहे होंगे, एक इलेक्ट्रिक होगा एक मैग्नेटिक होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, वही तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो सोचो एक बार, जस्ट इमेजिन कि ये थर्ड वाला केस क्लियर कर लेते हैं। तो ये थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ एग्जिस्ट करती है, नेगेटिव पे। तो देखो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट लाइक दिस, इसे माइनस का लिख दूं मैं यहाँ पे ई नॉट और एक्स, तो ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रॉन को देखते ही एक फोर्स लगने लग जाएगा टूवर्ड्स द राइट, है ना। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रॉन है, यहाँ लग जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स लाने के लिए फील्ड कैसी होगी, सारे बच्चे राइट हैंड स्क्रू रूल या कोई भी एक बेसिक सा रूल लगाकर कह सकते हो कि सर मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए कॉन्स्टेंट और वो होनी चाहिए जेड पे। अगर फील्ड यहाँ से ऊपर की तरफ आएगी तभी तो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, बात समझो ना आप अच्छे से। ठीक, तो ये दोनों बराबर हो गए और एक आंसर तो मिल गया अपन को कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है नेगेटिव, वो भी एक्स की, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है पॉजिटिव, वो भी जेड पर। तो यहाँ पे देखो एक ये मिल रहा, एक यहाँ पे ये मिल रहा, तो थर्ड हो गया और यहाँ पे एस हो गया। तो सेकेंड थर्ड और एस, देखो सेकेंड थर्ड और एस, ऑप्शन सी इसका सही होगा। वेक्टर से प्रूफ भी कर लेते हैं अपन,
इसकी जगह आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव में आ रहा है मेरा आंसर, ई नॉट और एक्स का कैप है, यहाँ हो गया एक और नेगेटिव, वी क्रॉस बी कर लेते हैं, वी कितना है देखो ऊपर क्वेश्चन के अंदर, ये है ई नॉट बाय बी नॉट और ये लिखा हुआ है वाई, नहीं राइट, ये लिखा हुआ है वाई, मल्टीप्लाई करते हैं इसको बी नॉट और जेड से, तो बी नॉट तो हट जाएगा, वाई क्रॉस जेड कितना होता है, आप समझ के देखो ये जे क्रॉस के लिखा है, जे क्रॉस के, इसका मतलब है ये हो जाएगा सीधा सीधा बच्चों एक्स, और ये दोनों भी सेम हो गए, तो मतलब यहाँ से भी सही बैठ रहा है अपना और ये लोग चीज़ें भी सही बैठ रही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। दो ऑप्शन तो शुरू में एलिमिनेट हो गए अपने कॉलम देखते ही, वेलोसिटी जीरो देखते ही, और इन दोनों में अपन को सही एवेल्युएशन करनी थी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 में बच्चों, फिर से वही है, एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ओरिजिन पर रखा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी है वी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह ही, और तीनों को अपन ने यहाँ कॉलम्स में रख दिया है। ये बच्चों बी का कॉलम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉलम है और ये स्पीड का कॉलम है, और तीनों के तीनों वेक्टर्स में ही हैं। फिर कहता है कि ई नॉट बी नॉट पॉजिटिव में है, चलो ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा ऐसा केस है जहाँ पे हेलिकल मोशन पड़ेगा और पॉजिटिव जेड पे भी पड़ेगा, तो यहाँ से एक लिंक मिल सकता है और प्लस जेड से अपन को दूसरा लिंक समझना है। बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि वेलोसिटी कहाँ रखें हेलिकल पढ़ने के लिए, किस तरह करें, तो मैं ये समझाता हूँ कि बच्चों एक नॉर्मल सा अगर हेलिकल मोशन है और लेट से ये एक्सिस जेड वाली है, तो कन्फर्म है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी जेड पे ही होगी। पहली थिंग तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि पॉजिटिव जेड पे जाना है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी जेड पे ही होगी, वो भी प्लस की होगी, तो यहाँ पहले बी को रेफर कर लेते हैं, ये आ गया बच्चों अपने पास बी के लिए एस वाला सही। ठीक है, तो समझ के देखो यहाँ पे, लेट अज्यूम कि ये आपके पास जेड एक्सिस हो गया और बाकी दोनों एक्सिस अपन ने इस तरह से यहाँ बना लिए, इसको एक्स कर लो और बच्चों इसको वाई कर देते हैं, तो ये समझ गए अपन कि अगर बी की वैल्यू बी नॉट जेड कैप है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी। अब क्या कराना है, हेलिकल पाथ कराना है यहाँ पे और पॉजिटिव पे कराना है, तो बी जेड पे है तो पक्की बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी एक्स के अलोंग ही होगी, क्योंकि या तो वो एक्सेलरेट कराएगी या डिसेलरेट कराएगी, तभी आपका हेलिकल बनेगा आगे की तरफ। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, तो अगर जेड पे है तो जेड के लिए ये तो बनने नहीं वाले, वाई और एक्स वाले, यही ऑप्शन सही बैठेगा बच्चों, दैट मीन्स ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी इस डायरेक्शन में ही है वो भी जेड का कैप है। अब जरा सोचो साइड में इधर कि ये डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन रख दूं और एक प्रोटॉन रख दूं, कौन किधर जाएगा, प्रोटॉन जाएगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन जाएगा बैकवर्ड, मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस पर लाने के लिए, ठीक है, हेलिक्स पढ़ाने के लिए राइट डायरेक्शन में अगर इस जगह पे प्रोटॉन होगा तो ही बात बनेगी, समझो बात को, यहाँ इलेक्ट्रॉन वाला ऑप्शन नहीं आएगा। बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी दिख रहा है हमको, प्रोटॉन भी दिख रहा है, हम क्या करें, तो आप समझो इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव वाला रख दोगे तो वो पीछे भगाना शुरू कर देगा, भगाएगा क्या, वो स्पाइरल कराना शुरू कर देगा इस तरह से, ठीक, तो वो गलत हो जाएगा। क्या करना है, पॉजिटिव जेड पे चलना है, मतलब यहाँ पे श्योर है कि प्रोटॉन होना चाहिए, तो देखो एस भी प्रूफ हो रहा है अपना, इससे ये प्रूफ हो रहा है, और दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से अपन को प्रोटॉन दिख रहा है कि ये इस वेलोसिटी के साथ होगा। अब ध्यान देने एक और बात, ये आपका प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये प्रोटॉन का टर्म है, इसको हमने क्या किया है बच्चों, एक्स पे थ्रो कर दिया है, तो आप देखो कि ये एक्स पे चल रहा है इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड जेड पर है, तो ये क्या करेगा, हेलिक्स बनाना शुरू करेगा, तो ये इसका हेलिक्स इस तरह बनता जाएगा, क्यों आगे की तरफ आ रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक बात और, इसके साथ साथ इसका पिच भी बच्चों ऐसे बढ़ता जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो कुछ इस तरह का होगा ये, लेट से ये आपका जेड एक्सिस है, तो पहला हेलिक्स यूं पड़ेगा, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा, और फिर और ज्यादा, ठीक है, इसको कहते हैं अपन इंक्रीज्ड पिच। हालांकि ये पिच वगैरह के बारे में तो पूछा ही नहीं है उसने, बस बोला है कि राइट साइड जाएगा तो क्या होगा। तो इन शॉर्ट समझा देता हूं मैं फिर से, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के दोनों बच्चों जेड पे ही जाएंगे और पार्टिकल आपका एक्स पे जाएगा जो कि प्रोटॉन रहेगा, ये आपका आंसर है ये, ठीक है। इसके हिसाब से 4, 1 और एस
हमारा आ रहा है 4-1 और एस, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 15 देखते हैं, वही है प्रॉब्लम पिछले वाली कंसेप्ट की। एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अज्यूम कर लेते हैं, इसको ओरिजिन पर रखा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और दोनों के दोनों यूनिफॉर्म है, सब जगह एग्जिस्ट करते हैं। वेलोसिटी वी है, ई का टर्म है, बी का टर्म है और इसमें भर दिए गए हैं। तो ये हो गया तुम लोगों का वेलोसिटी का, ये हो गया बच्चों ई और यहाँ पे आ रहा है अपना बी। ठीक है, बोल रहा है कौन सा केस है जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा नेगेटिव, ध्यान देना नेगेटिव वाई पे। तो देखो अगर ऐसा बोला जाए कि जनरल सा केस बना लें, ये डायरेक्शन आप बी की अज्यूम कर लो, लेट से रैंडम डायरेक्शन, यहाँ इलेक्ट्रॉन भी रख दो प्रोटॉन भी रख दो, क्या होगा बच्चों? अगर वेलोसिटी को मैं मैच करा दूं रिगार्डलेस ऑफ द चार्ज, इफ वी हैज द सेम डायरेक्शन ऑफ बी, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका, है ना? ये बेसिक सी थ्योरी है, थीटा जीरो होगा तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, साइन जीरो जीरो हो जाएगा। मतलब क्या है, बिना कुछ करे इसको वाई पे लेकर जाना है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड हैज वाई डायरेक्शन, मस्त हो जाएगा ये। तो पहले रिवर्स में सॉल्व कर लेते हैं, बी लिखा है वाई ढूंढ लो, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, ये आंसर हो गया अपना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाई पे। अगर मैग्नेटिक फील्ड वाई पे है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और किसी एक्स और जेड डायरेक्शन में नहीं जा सकती, तो ये तो होगा नहीं, एक्स पे भी नहीं होगी, बिकॉज वो डिविएट करा देगी या तो एक्सलेट कराने लग जाएगी, मतलब इसका यही ऑप्शन बैठेगा। तो यहाँ पे हो गया आर और यहाँ हो गया टू, तो मैच करेंगे तो क्या होगा, एक आंसर आर है एक आंसर बच्चों टू है और ऑप्शन अपना वन तो पहले ही मिल रहा है, ठीक है ना? और उसके हिसाब से अपन चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखो, इलेक्ट्रॉन एक्स पे जाना नहीं है तो इन दोनों को तो पढ़ो मत, आप पहले ही बोला है ना इसने वाई पे, तो बारी आती है इन दोनों को पढ़ने की, या तो इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर टू और थ्री में से एक जाने वाला है। तो सोचो एक बार, मैग्नेटिक जो फील्ड है वो आपके पास मिल चुकी है बी नॉट और वाई, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुकी है हमें नेगेटिव ई नॉट और वाई, अगर यहाँ पे प्रोटॉन लाएंगे तो क्या होगा? सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, इस प्रोटॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ एक्सलेट कर जाएगा, और यही तो हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई करा गया और ये सही बैठ गया, मतलब ये प्रोटॉन यहाँ रखना अच्छी बात है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी यहाँ से हमारा बैठ रहा है, तो ये हो गया थर्ड, ठीक है बच्चों, ये हो गया सेकेंड और आर, ये अपना ऑप्शन ए आ रहा है। अब बात क्या आती है कि इन दोनों को सीखना नहीं है, एक ये और प्रोबेबिलिटी बनती दिख रही है, इमेजिन कर लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन है ई नॉट बी नॉट और वाई पे इसको भेज रहा हूं मैं, तो सोचो एक बार कि इलेक्ट्रॉन है उसको ऊपर की तरफ जाना है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है बच्चों, नीचे की तरफ है, तो ये और ऊपर एक्सीलरेट हो जाएगा, तो वो क्या करेगा ऊपर की तरफ और निकल जाएगा, तो ये तो बच्चों पॉजिटिव वाई एक्सिस का डायरेक्शन हो गया, ये थोड़ा ना मांगा है अपन से, आंसर हो रहा है अपने पास कि यहाँ पर होना चाहिए प्रोटॉन, ठीक है ई का पॉजिटिव, और वो अपने आप नीचे आ जाएगा और ये तीनों के तीनों मिलके कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे और ऑप्शन ए आप लोगों का सही जाएगा। 3, 2 और आर, मतलब प्रोटॉन वहां पे रेस्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, इसका तो इफेक्ट ही नहीं है यहाँ पे कुछ, ठीक है बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगले तीन प्रॉब्लम के लिए बच्चों 16, 17 और 18 है ना, मैचिंग टाइप चल रहा है अभी, तो तीनों कॉलम में हमें एक पॉसिबिलिटी और एक सीक्वेंस को एस्टेब्लिश करना है, क्या होना चाहिए। तो पढ़ते हैं कंडीशन, कहता है कोई आइडियल गैस अज्यूम करनी है और वो साइक्लिक जा रही है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के, और अलग अलग वेज शोन है इसके पीवी डायग्राम में, देखो आप कॉलम नंबर 3 में अलग अलग पीवी डायग्राम बने हुए हैं। फिर कहता है 1 से 2 का ही स्टेट समझना है, मतलब पाथ 1 से 2 पे जा रहा है वो स्टडी करना है, 1 to 2, यहां भी देखो 1 to 2 और ये भी समझ लो। फिर कहता है वी हैव डिनोटेड वर्क डन ऑन द सिस्टम, ध्यान रखना ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है, मतलब नेगेटिव का वर्क काउंट होगा। फिर कहता है इक्वेशन और प्लॉट्स टेबल में दिए हुए हैं उसके, यूज इन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, और यहाँ पर गामा का जो टर्म है वो हमें सभी को पता होता है, ये होता है CP/CV, हीट कैपेसिटीज है प्रेशर की और वॉल्यूम की, और नंबर ऑफ मोल्स एन है।
ठीक, तो प्रॉब्लम 16 यहां लिखी हुई है, कहती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली वन करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ये क्या कह रही है बच्चों, डेल्टा ऑफ u लिखा है और यहां है डेल्टा ऑफ q माइनस ऑफ p डॉट डेल्टा v। तो बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आगे पढ़ते हैं अपन। ठीक, हमें समझाया जाता है कि हीट देंगे अगर सिस्टम को तो किस में यूज हो जाएगा, वो वर्क में और साथ ही साथ इंटरनल एनर्जी में। रीअरेंज कर लो इसको, तो यहां से डेल्टा यू कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है अपन को डेल्टा क्यू माइनस पी डॉट डेल्टा वी। एग्जैक्टली यही पूछा है अपन से। ऑब्जर्व करो तो यहां चेंज हो रहा है, यहां चेंज हो रहा है और इसमें चेंज हो रहा है। प्रेशर का टर्म यहां पर कॉन्स्टेंट लेकर वर्क निकालना है, ठीक है, और ऊपर से वर्क डन कैसा दिया है ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन कैसा होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। तो यहां देखो फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करते हैं, 1 to 2 के लिए बोल रहा है और 1/γ-1। श्योर बात है हम पढ़कर आते हैं, ये तो एडियाबेटिक की कहानी है तो ये तो हो ही नहीं सकता, राइट। प्रेशर को अपन को कांस्टेंट रखना है इस इक्वेशन के हिसाब से। यहां समझते हैं, इस इक्वेशन में अगर नेगेटिव पी बाहर ले लें तो क्या हो रहा है बच्चों, V2-V1 हो रहा है और साथ ही साथ हो जाएगा माइनस ऑफ पी डॉट डेल्टा वी, या लिख सकते हो माइनस ऑफ डब्लू। तो ये देखो यहां मैच कर गया अपन से, मतलब इस कॉलम में 2 ऑप्शन सही होगा। प्रेशर बच्चों कांस्टेंट है तो सभी लोग जानते हैं सिंपल सी थ्योरी कि इक्वेशन कैसी होगी, इसके हिसाब से आइसोबैरिक, थर्मल नहीं होगा, कोरिक नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये अपना सही हो गया। आइसोबैरिक है, 1 से 2 जाना है तो पीवी ग्राफ तो हम समझ ही जाएंगे क्या करना है। तो प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए, यहाँ देखोगे तो चेंज हो रहा है प्रेशर, यहाँ भी हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा अपना सेकेंड, यहाँ पे प्रेशर का टर्म प्यारे बच्चों कांस्टेंट ही है। तो पहले तो ये सही हुआ, फिर हमारा आइसोबैरिक है, उसके बाद ये, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड, फिर हो जाएगा आपका थर्ड और फिर हो जाएगा पी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका सही जाएगा। इस पूरे प्रॉब्लम के लिए एक सीक्वेंस एस्टेब्लिश करना है और एक ही पॉसिबल सीक्वेंस होता है इन मैचिंग क्वेश्चंस में, जे एडवांस 2017 के पेपर में। तो इस इक्वेशन के हिसाब से पूछा गया है बच्चों और अपना ऑप्शन मिल रहा है, इसमें ये सही है, यहाँ पर आइसोबैरिक है, सभी जान रहे हो और इसका ग्राफ तो ईजी है, 1 और 2 के लिए ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 में बच्चों, फिर से वही कहानी है, आइडियल गैस से साइक्लिक जा रही है और पीवी डायग्राम दिया हुआ है हमें, स्टेट 1 से 2 पे पढ़ना है जो अपन प्रीवियस प्रॉब्लम में कंप्लीट करके आए हैं। बस ये ध्यान रखो कि जो वर्क डन है वो ऑन द सिस्टम है, मतलब नेगेटिव है ना। इक्वेशन और प्लॉट्स वगैरह अपन को दिए हुए हैं, गामा का टर्म फिर से वही हो गया, कॉन्स्टेंट प्रेशर वाला और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वाला, नंबर ऑफ मोल्स एन है। क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस अपन को चेक करने हैं इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो पहले अपन समझ लेते हैं कॉलम वन कहना क्या चाह रहा है। ये बच्चों एक्सप्रेशन होता है हमेशा एडियाबेटिक का, ठीक है, ये टर्म होता है हमारे पास, प्रेशर कांस्टेंट है तो लिख लीजिए आइसोबैरिक। ये क्या है, वर्क डन 0, दुनिया जानती है ये बात, ये हो गया आइसोकोरिक और ये प्यारे बच्चों हमारा आइसोथर्मल का आंसर आता है जब भी वर्क पढ़ते हैं अपन। कंप्रेशन एक्सपांशन उसकी दिक्कत नहीं है अभी, बस समझ लो कि ये इनके एक्सप्रेशन होते हैं। मैच कर लेते हैं, तो एडियाबेटिक बच्चों कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है 4th पे, आइसोथर्मल जा रहा है अपने 1st पे, आइसोबैरिक आपका आएगा 3rd पे और ये जाएगा 2nd पे। तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं, 2nd जा रहा है 4th पे, 4th जा रहा है 2nd पे, तो 2nd जा रहा है 4th पे, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, 4th जा रहा है 2nd पे, ये भी गलत हो गया बच्चों। 3rd देखो 2nd 4th, तो 1st कॉलम का 2nd मतलब आइसोबैरिक है ना, और ये हो रहा है 4th, तो प्यारे बच्चों ये भी गलत ही है, ठीक है, 3rd पे आना चाहिए। यहाँ देखो 3rd है और 2nd है, तो यहाँ पे 3rd है और इसका 2nd है, मतलब ये सही बैठने वाला है अपना, 3rd हो गया 2nd हो गया। अब ध्यान रखते हैं यहाँ पे आइसोकोरिक का कौन सा ग्राफ होगा, सबको पता है बच्चों वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। चारों को देखोगे आप तो वॉल्यूम के हिसाब से अगर अपन बात करें 1 और 2 में, तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वॉल्यूम इसका कांस्टेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे ये सही है, इसके लिए ये सही है और ये सही है, तो करेक्ट चॉइस होगा अपना 3rd
ठीक है, फिर आएगा सेकंड और ये हो जाएगा एस। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सिर्फ सीक्वेंस मैच करना था, कोई डेरिवेशन प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्विंग की जरूरत ही नहीं है अपन को। ग्राफ देख के, ये क्वेश्चन के नाम देख के और उनके फाइनल आंसर देखकर समझ में आ रहा है कि ये प्रॉपर सीक्वेंस होगा आइसोकोरिक, आइसोकोरिक और ग्राफ के लिए आइसोकोरिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। प्रॉब्लम 18 देखो बच्चों, फिर से वही है स्टेटमेंट। आइडियल गैस है अपने पास, साइक्लिक प्रोसेस पे जाता है और अलग अलग वेज हैं। पीवी डायग्राम को रिप्रेजेंट किया गया है कॉलम नंबर 3 पे। प्रॉब्लम 16, 17 और 18 इसी कंडीशन पे है। स्टेट 1 to 2 पढ़ना है अपन को और वर्क डन ऑन द सिस्टम है, इस बात का बस ध्यान रखना। इक्वेशन एंड प्लॉट्स टेबल में दिया हुआ है और नोटेशंस भी यूज करे हुए हैं। गामा का टर्म हमें पता होता है, मैं फिर से लिखता हूँ, गामा इज सीपी डिवाइड बाय सीवी, नंबर ऑफ मोल्स एन है। क्वेश्चन रीड करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स थर्मोडायनामिक प्रोसेस दैट इज यूज फॉर करेक्शन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एन आइडियल गैस। देखो करेक्शन वर्ड से ही समझ में आना चाहिए अपन को। तो सबसे पहले तो न्यूटन ने बताया था स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो न्यूटन कहता है स्पीड का फॉर्मूला होता है पी बाय रो, विच वॉज रॉन्ग। इसको करेक्ट किया था प्यारे बच्चों लाप्लास ने, और ये थ्योरी अपन को याद ही है। ठीक है, न्यूटन अज्यूम दैट द आइडियल गैस सिस्टम इज आइसोथर्मल, लाप्लास करेक्टेड इट सेइंग दैट कि ये होता है एडियाबेटिक और स्पीड का फॉर्मूला आता है गामा पी बाय रो। सारी वैल्यूज एसटीपी पे रख देंगे अपन तो आंसर मिल जाएगा। हालांकि इन दोनों चीज की जरूरत तो नहीं है, अपन को पता होता है कि लाप्लास ने एडियाबेटिक करके समझाया था किसे, स्पीड ऑफ साउंड को। बस इतना सा लिंकअप किया गया है क्वेश्चन को, बस और कुछ भी नहीं करना बच्चों। लाप्लास ने स्पीड ऑफ साउंड के लिए एडियाबेटिक यूज किया था। अब एडियाबेटिक के लिए अपन लिंक बैठा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखो 1 to 2 जाना है अपन को, और पता है अपन को कि ये एडियाबेटिक का ही एक्सप्रेशन है। बस ये ध्यान रखा जाए कि एडियाबेटिक का एक्सप्रेशन याद क्या करके आते हैं अपन, कि वर्क डन होता है 1/γ-1 और पहले आता है P1V1 और बाद में आता है P2V2। क्योंकि वर्क डन ऑन द हो रहा है तो नेगेटिव होगा और फिर से ये सही हो जाएगा। ये तो आइसोबैरिक है और ये क्या है, आइसोकोरिक है। ये कौन है बच्चों, ये है आइसोथर्मल जो न्यूटन ने अज्यूम कराया था। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और आइसोबैरिक भी लिख देता हूँ मैं, ये भी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट के लिए ये सही आ रहा है। यहाँ पे तो बस टिक करना है कि आइडियाबेटिक होगा। तो आंसर मिल रहा है अपन को 1, यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, लास्ट में अपन पढ़ लेते हैं, ये नहीं है ग्राफ, इसको देखो। ये वाला ग्राफ कुछ एडियाबेटिक की तरह बता रहा है, पी इनवर्स ऑफ V2γ। ये भी गलत है और ये भी गलत है, मतलब यहाँ आना चाहिए Q, विच एग्जैक्टली मैचेस विथ 1, 4 and Q। ऑप्शन डी इसका सही होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, बस यहीं पे लिंकअप करना है कि प्रोसेस में करेक्शन ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड के लिए क्या यूज करना है। तो लाप्लास ने पहले ही कहा था मीडियम इज शुड बी अज्यूम्ड एज एडियाबेटिक, दैट्स वाई एडियाबेटिक के लिए अपन ने सॉल्व कर लिया। यहाँ से पहले अपन इस पे आएंगे, ठीक है, और फिर उसके पास यहाँ जाएंगे। तीनों का सीक्वेंस हमारा आंसर है। ओके okay?